सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी के पास गमरिया के युवक सूरज महानंद उर्फ गोलू की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सुमित मुखी ने थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरायकेला खरसवां जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। मृतक के साथ उसकी पुरानी रंजिश थी। मृतक पूर्व में रेलवे कॉलोनी में ही रहता था, फिलहाल वह गमरिया में रह रहा था। घटना के दिन हत्यारे ने मृतक को रेलवे कॉलोनी बुलाकर जमकर नशापान कराया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर शव को साक्ष्य छुपाने की नीयत से कॉलोनी से सटे झाड़ियों में फेंक दिया। अनुसंधान के क्रम में आरोपी का नाम सामने आया, जिसे पकड़ने को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। लगातार बढ़ती दबिश को देखते हुए उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आरआईटी थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था 17 नवंबर 2023 में, और जिसमें बाद में शव का पहचान किया गया तो सूरज महानंद उर्फ गोलू का यह शव था, जो कि धारदार हथियार से किसी हथियार से मारने का उसमें उस टाइम पे पता चला था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया था, और जिसके बाद लगातार छापामारी की गई, जिसमें जो अप्राथमिकी अभियुक्त है उसमें सुमित मुखी उर्फ सुजीत मुखी उर्फ त्रिशूल इसका नाम है, जिसको कि गिरफ्तार किया गया है। और उसके द्वारा ये बताया भी गया स्वीकारोक्ति बयान में कि उसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो घटना में प्रयुक्त चाकू का इस्तेमाल किया गया था, वो चाकू की भी बरामदगी कर ली गई है। घटना के कारण के पीछे में ये बात आई कि कुछ दिनों पूर्व जब वो जेल से छूटा था, तो उसके बाद उसके साथ कुछ उसकी दुश्मनी हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें सुजीत मुखी उर्फ त्रिशूल को जो भी मृतक है उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिससे उसका दांत तोड़ दिया गया था। तो ये एक उसकी निजी दुश्मनी थी और झगड़ा झंझट उन लोगों के बीच हुआ था, जो बात प्रकाश में आया है, और इसी वजह से उसने इसकी हत्या की है। ये महत्वपूर्ण है कि जो सुमित मुखी और सुजीत मुखी है, ये पूर्व में भी 3 कांडों में जेल जा चुका है आरआईटी थाना से, जिसमें कि पहले वो 2 महत्वपूर्ण चोरी के कांडों में भी वो जेल जा चुका है। और भी यदि किसी भी प्रकार के कांड में उसकी संलिप्तता अगर पूरे जिला क्षेत्र में है या अगल बगल के जिला में, तो उसकी भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए इस घटना में उसको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किया।